बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक रिप्रोडक्शन के मुतालिक है, जिसमें हम रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स को डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये डिस्कस करेंगे। लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स एंड ओनली लाइफ बिगिंस लाइफ। ये हमें सबसे पहले ये बात पता है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमेशा दूसरी लिविंग थिंग से जो है वो वजूद में आती हैं, और जो हमेशा ज़िंदगी जो है वो नई ज़िंदगी को वजूद में देती है। ये ऐसा नहीं होता कि हम नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स को फॉर्म कर लें। हमेशा जो है वो ज़िंदगी ही ज़िंदगी को वजूद देती है, और पहले से ज़िंदगी का मौजूद होना ही नई ज़िंदगी के वजूद में आने की ज़मानत है। ओल्डर वंस आर कॉल्ड पेरेंट्स, जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म या उस लाइफ के जो ओल्डर वंस होते हैं उनको पेरेंट्स कहा जाता है। एंड द न्यूली फॉर्म आर कॉल्ड प्रोजेनी, और जो उन ओल्डर पेरेंट्स के फर्टिलाइजेशन के नतीजे में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो भी न्यूली फॉर्म ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम प्रोजेनी कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करें अपनी ज़ाती वजूद से, वो लिविंग थिंग्स को वजूद में लाने का सबब बने, तो उसको हम अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोड्यूस करें उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट टू कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ विद अ फ्रेश स्टार्ट, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इसके नतीजे में जो ज़िंदगी है जो लाइफ की कंटिन्यूटी है वो एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट से बिल्कुल फ्रेशली जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ज़िंदगी जो है वो एक नए सिरे से वजूद में आती है, और वो अपनी जो भी लाइफ स्पैन है उसको बिल्कुल न्यूली जो है वो स्टार्ट करती है। इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें सबसे अहम जो बेनिफिट है वो है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जेनरेशन टू द नेक्स्ट जेनरेशन। जो पेरेंट्स के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होती है, और इससे क्या होता है सर्वाइवल ऑफ स्पीशी होती है, जिसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर स्पीशी का जो है वो सर्वाइवल इस पर्टिकुलर जो हमारा अर्थ है इसके ऊपर एग्जिस्ट रहता है। अब हम बात करें कि कितने टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है। टू टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सिर्फ एक पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, उसमें दो पार्टनर्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। उसमें एक ही पार्टनर जो होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपने जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। इट गिव्स राइज न्यू इंडिविजुअल्स बाय माइटोटिक डिवीजन। इसमें क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल्स जो हैं वो वजूद में आ जाते हैं माइटोटिक डिवीजन के ज़रिए, माइटोसिस के ज़रिए न्यू इंडिविजुअल्स जो हैं वो वजूद में आ जाते हैं, और किसी भी किस्म की मियोसिस की इसमें या नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ होने की ज़रूरत नहीं होती। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर होता है वो न्यू वंस का भी वही क्रोमोसोम नंबर रहता है, और ये जो प्रोसेस होता है वो माइटोसिस के ज़रिए होता है। ऑफस्प्रिंग्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में, उनकी मॉर्फोलॉजी भी और उनकी जेनेटिकली भी जेनेटिक मटीरियल भी उनका सेम होता है उनके पेरेंट की तरह, और जो उनकी मॉर्फोलॉजी होती है एज इट इज़ वो सेम टू सेम कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे देखें, ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है यहाँ पे 2n, तो ये अब इसके अंदर माइटोसिस होगी, और माइटोसिस होने के नतीजे में ये
इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम रहेंगे और दो बिल्कुल इसी तरह के हमें ऑफस्प्रिंग जो है वो वजूद में आते हुए दिखेंगे, जिनका क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2N ही होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे अमीबा की, अब अमीबा में जो होता है वो बाइनरी फिजन होता है। यहाँ पे जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा अमीबा, और दो हिस्सों में डिवाइड होने के बाद ये जो अमीबा के जो दो छोटे छोटे यहाँ पे डॉटर अमीबा बनेंगे, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर और उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेम रहेगा। तो इसमें जो है वो क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहता है और इसमें जो है वो कोई और मसला भी नहीं होता। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेज से जो है वो परफॉर्म होती है। उसमें सबसे पहले जो है वो स्पोर्ट्स के ज़रिए हो सकती है, स्पोरंजिया में जो है वो स्पोर्ट्स फॉर्म हो जाए, स्पोर्ट्स के थ्रू हो सकती है, स्पोर्ट्स के ज़रिए हो सकती है, बडिंग के ज़रिए हो सकती है, बर्ड फॉर्म हो जाए, फिजन के ज़रिए हो सकती है, और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के ज़रिए हो सकती है। वेजिटेटिवली कोई भी हिस्सा जो है वो टूट जाए और टूटने के बाद जो है वो अपने ही जैसा जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर ले। और एपोमिक्सिस में जो है वो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्पोर्ट्स के ज़रिए, बडिंग के ज़रिए, फिजन के ज़रिए, दो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए, बडिंग कोई सा भी छोटा पार्ट एक अलग हो जाए, स्पोर्ट्स फॉर्म हो जाए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कोई भी हिस्सा टूट जाए, एपोमिक्सिस जिसमें फर्टिलाइजेशन के बगैर जो है वो फ्रूट फॉर्म हो जाए और नया इंडिविजुअल जो है वो वजूद में आ जाए। अब हम ये सब चीज़ें अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख ली, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं न्यू इंडिविजुअल को वजूद में लाने के लिए, और दो पेरेंट्स का फ्यूजन होना ज़रूरी होता है। और ये जो फ्यूजन होता है ये स्पेशलाइज सेल्स के ज़रिए होता है जिन्हें गैमिट्स कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स टू पेरेंट्स गिव राइज न्यू इंडिविजुअल्स बाय फ्यूजन ऑफ स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड गैमिट्स। दो मुख्तलिफ गैमिट्स का फ्यूजन होना ज़रूरी होता है, और ये फ्यूजन जब हो जाता है तो एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो वजूद में आ जाता है। और इसके नतीजे में जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो वेरिएबल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, एक जैसे ऑफस्प्रिंग्स नहीं होते। जब फ्यूजन होता है गैमिट्स का तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है दो पेरेंट्स का एक्सचेंज होता है, दो मुख्तलिफ पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए, मियोसिस के ज़रिए जब एक्सचेंज होता है तो उस जो नया ऑफस्प्रिंग्स आता है उसके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, वो कॉन्स्टेंट जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग्स या न्यू इंडिविजुअल्स के मुकाबले में, कंपैरिजन में। मैनी प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ बोथ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो दोनों तरह की रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म करने का के कैपेबल होते हैं। और ये जो दोनों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, वो सर्टन सिचुएशन में एडवांटेज ही प्रोवाइड करती है। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जा रहा है सर्टन सिचुएशन में, तो उसका एक अलग एडवांटेज है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और अगर वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाता है तो उसका एक पर्टिकुलर एडवांटेज होगा कि ये देखा जाएगा कि क्या ऐसी सिचुएशन थी जो प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ नहीं गया, या उसे उसका पर्टिकुलर पार्टनर नहीं मिला, या उस वक्त तक मिच्योर नहीं हो सका था जब तक उसका पार्टनर मिच्योर हो चुका था, या बहुत सारे और डिफरेंट जो हैं वो सरकमटांसेस हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तवनाई खर्च होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतनी ज़्यादा एनर्जी का वेस्ट नहीं होता। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ लेकर जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो जनरेट करती है वेरिएशन पॉपुलेशन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा फ़ायदा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो वेरिएशन जो है वो
प्रोड्यूस होती है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन के नतीजे में सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन जब प्लांट में होती है तो उसके नतीजे में सीड प्रोड्यूस नहीं होते, लेकिन जब प्लांट सेक्सुअल प्रोडक्शन की तरफ जाता है तो उसके नतीजे में सीड प्रोड्यूस होता है, जो नई डिस्पर्स हो जाता है नई नई लोकेशंस पे, और फिर वो उस वक्त तक वेट करता है ग्रो करने का जब तक इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो हॉस्टाइल ना हो जाए और या फिर इम्प्रूव ना हो जाए। तो सीड ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह कमरे में रखा रखा जो है वो ग्रो कर जाएगा, जब तक उसको उसका पर्टिकुलर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, जब तक उसे उसका पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेंगी, तो वो डॉर्मेंसी में रहता है, वो डॉर्मेंट कंडीशन में रहता है, वो स्लीपिंग स्टेज में रहता है, वो रेस्टिंग स्टेज में रहता है, और जब भी उसे उसका पर्टिकुलर इन्वायरमेंट मिलता है तो वो जर्मिनेट करके एक नई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म करने का बायस बनता है। और इस वजह से किसी भी पर्टिकुलर प्लांट की जो रेस है, जो स्पीशी है, वो उस वक्त तक ज़मीन पे कायम रहती है जब तक उसे उसका पर्टिकुलर इन्वायरमेंट ना मिल जाए। अगर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के बग़ैर ही ये जर्मिनेट कर जाएंगे कि अगर कोई किसी को पानी चाहिए और वो उसे थोड़ा ज़्यादातर पानी चाहिए अपनी जर्मिनेशन के लिए, और थोड़ी सी भी पानी मिले और वो जर्मिनेट कर जाए, तो फिर आगे तो उसे पानी नहीं मिलेगा, तो उस पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन के नतीजे में बनने वाले सीड को प्लांट को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो सीड के अंदर ये डाटा मौजूद होता है कि आपने उस वक्त तक जर्मिनेट नहीं करना जब तक आपकी पूरी हॉस्टाइल इन्वायरमेंटल कंडीशन फुलफिल ना हो जाए, सूटेबल आपके लिए ना हो जाए। एन एडवांटेज ऑफ ए सेक्चुअल, अब हमने सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज देख लिया, अब हम ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज देखेंगे। एन एडवांटेज ऑफ ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज़ दैट द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज इन नंबर वेरी रैपिडली एंड मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली अलाइक टू देयर पेरेंट्स। ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, अगर प्लांट ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जा रहा है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना नंबर इंक्रीज़ कर सकता है एज़ कम्पेयर टू सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में वेट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन हो रही है विद इन अ मिनट, बाइनरी फिजन हो रहा है, बडिंग हो रही है, स्पोरुलेशन हो रही है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही है, कोई भी हिस्सा टूट जाएगा, तो बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन प्रोड्यूस हो सकती है जो अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है और उसमें कोई भी फ़र्क नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा, उसमें जेनेटिक स्टेबिलिटी नहीं होती, वो जेनेटिकली वीक होती हैं, वो हालात का इतना अच्छी तरीके से मुकाबला नहीं कर सकती जैसे उनके पेरेंट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में वजूद में आए वो करते थे। दिस ब्लॉक्स द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड अडॉप्टेशन। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी मैंने आपको बताई कि ये जो है वो एवोल्यूशन और अडॉप्टेशन के प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। इसके नतीजे में किसी भी किस्म जो जेनेटिक जो न्यू प्रोजेनी होती है ना, वो अपने आप को इवॉल्व कर सकती है, ना वो अपने अंदर अडॉप्टेशन कर सकती है माहौल के मुताबिक, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बनने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, और वो हालात के मुताबिक अपने आप को ढालते हैं, एवोल्यूशनरी अप्रोच उनके अंदर होती है और वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से जो किसी भी स्पीशी का सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, और कोई भी पर्टिकुलर स्पीशी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, एक्सटेंट हो सकती है इस कुरए अर्स पर। तो ये बात मैंने आपको समझाई। अच्छा, अब ये देखते हैं, मैन यूजेस दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ क्रॉप और डेवलपिंग क्लोन्स बाय टिश्यू कल्चर। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इस एक्चुअल प्रोडक्शन को सेम टाइप की क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, जैसे आलू है, आलू का की बर्ड लेकर उसको जो है वो डिफरेंट पीसेस में उसकी आई का मुकाम लेकर उसको जब जर्मिनेट करवाते हैं, तो बहुत सारे जो हैं वो पोटैटो जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। या जो जिंजर है, जिंजर को आप उसके बर्ड के मुकाम से काट के जो है वो आप जर्मिनेट करवाना चाहें तो जिंजर जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। इसके अलावा अगर आप टिश्यू कल्चर के ज़रिए कि कोई भी एक टिश्यू ले लें, प्लांट का कोई भी एक सेल ले लें और उसे टिश्यू कल्चर के ज़रिए उससे पूरी के पूरे और बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो उन्हीं के जैसे, जहाँ से पेरेंट प्लांट से जो सेल लिया है उसको
टिश्यू कल्चर के ज़रिए उस प्लांट के बहुत सारे क्लोन बना लें, आप उसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स उसकी उसके ही जैसे बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स बना लें, उनको हम क्लोन्स कहते हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये देखें, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास स्टेम है, ये जो है ये यहाँ पे नोड है, ये नोड है और ये नोड है, इन दो का दरमियानी फासला होता है इंटर नोड, इसे हम कहते हैं इंटर नोड। अगर हम इस प्लांट को, इस पर्टिकुलर प्लांट को के स्टेम को नोड के मुकाम से काटेंगे, और नोड के मुकाम से काटने के बाद हम इसको यहाँ पे हम अपने पॉट में, जिसमें मिट्टी और पूरा इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल है, इसको ज़मीन में दबा देंगे, तो यहाँ से ये जो शूट है जो हमने काट के, हमने नोड के मुकाम से काटी है, इसे सो कर देंगे, तो कुछ दिनों के बाद ही यहाँ से हमारे पास रूट्स अराइज होने लग जाएंगी, जिन्हें हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। और यहाँ पे इसी की तरह का एक नया पौधा प्रोड्यूस होगा, फिर यहाँ पे इसको, फिर जब वो प्रोड्यूस हो जाएगा नया पौधा, तो फिर हम इसे फिर दोबारा नोड के मुकाम से काट लें, तो फिर नोड के मुकाम से फिर एक नया पौधा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सेम प्लांट जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम नोड के मुकाम से नहीं काटते, अगर हम नहीं चाहते कि नोड के मुकाम से काटें, हमने बग़ैर नोड के मुकाम से काट लिया, तो फिर यहाँ पे एक मटीरियल प्रोड्यूस होगा जिसे हम कहते हैं कैलस। यहाँ पे एक पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रोड्यूस होंगे, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरिस्टमेटिक हो जाएंगे, और मेरिस्टमेटिक होने के बाद ये यहाँ पे एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कैलस। फिर ये कैलस फॉर्म होने के बाद यहाँ से रूट्स अराइज होंगी, जिन्हें हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अपने रूट जो होती हैं हमेशा सीड के रेडिकल से अराइज होती हैं। जब रूट्स अपने असल मुकाम को छोड़ के स्टेम से अराइज होने लग जाएँ, तो हम उन्हें एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। या फिर वो लीफ से अराइज होने लग जाएं, ब्रायोफाइलम की लीव होती है, उसमें से ऐसी ऐसी रूट्स अराइज हुई होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा बरगद का दरख्त या बनियान का दरख्त जो होता है, उसमें इस तरह से ये पौधा होता है, बहुत घना पौधा होता है और बहुत घना पैदा होता है, यहाँ से रूट्स अराइज हो रही होती हैं और फिर यहाँ से ज़मीन के अंदर जा रही होती हैं शाखों में से, तो ये भी ताकि प्लांट को जो है वो सपोर्ट मिले। तो ये कौन सी रूट्स होती हैं? एडवेंटिशियस रूट होती हैं, जो अपने असल मुकाम को छोड़ के अराइज हुई होती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें क्लोनिंग की, तो कोई सा भी एक पैरेन्काइमा का सेल ले लिया जाए, और उस पैरेन्काइमा के सेल को पेट्री डिश में एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, पर्टिकुलर एगार के अंदर वाइटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाए, तो ये जो पैरेन्काइमा के सेल्स है, इसके नीचे की तरफ क्या फॉर्म हो जाता है? कैलस, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल पैरेन्काइमा के, जो बिकम मेरिस्टमेटिक हो जाते हैं और नीचे की तरफ से एडवेंटिशियस रूट अराइज होने लग जाती हैं, ऊपर की तरफ से लोमियूल अराइज होने लग जाता है, और यहाँ से जो है वो पौधा ग्रो होने लग जाता है। तो इस तरह से अगर हम ये जो कैलस है इसको थोड़ा थोड़ा सा डिवाइड कर दें, सब डिवाइड करके इसको अलग अलग पैट्री डिश में हम इसको अलग अलग पैट्री डिश में हम रखते चले जाएं, तो हर पैट्री डिश के अंदर से हमें क्या मिल जाएगा? एक पौधा ग्रो होता हुआ। मिल जाएगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे हमने, मैंने आपको क्लोन का भी बता दिया, क्लोन के बाद हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन
मियोसिस इज़ द बेसिस ऑफ माइटोसिस इज़ द बेसिस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो माइटोसिस होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ नहीं होता, उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम रहता है। और जो मियोसिस होती है उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, फिर फ्यूजन होता है गैमिट्स का, और फिर जब गैमिट्स का फ्यूजन होता है तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म होती है, और फिर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रीस्टोर हो जाता है। जैसे अगर मैं बताऊँ, अगर पेरेंट्स है 2N, तो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है तो 2N ही इसके अंदर रहेगा, 2N ही इसके अंदर रहेगा। लेकिन अगर कोई एक इंडिविजुअल है जो सेक्सुअल प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 2N है, ये मेल है अगर हमारे पास, और ये हमारे पास फीमेल है, तो ये मेल जो है वो मियोसिस पे जाएगा, इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, ये गैमिट्स बन जाएंगे, ये मेल गैमिट्स बन गए और ये बन गए फीमेल गैमिट्स, ये हमारे पास क्या बन गए, फीमेल गैमिट्स। अब इन फीमेल गैमिट्स, ये दो हैं और ये मेल गैमिट्स हैं, ये जो है इसको भी फर्टिलाइज कर सकता है, एन प्लस एन 2N ओरिजिनल नंबर स्टोर हो जाएगा, ये वाला इसको भी फर्टिलाइज कर सकता है 2N ये हो जाएगा, ये वाला जो है वो इसको भी फर्टिलाइज कर सकता है, और ये वाला जो है वो इसको भी फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये स्पर्म के पास चांस है कि दो स्पर्म है तो किसी भी कोई सा भी स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज कर सकता है, और चार इंडिविजुअल्स की पॉसिबिलिटी है कि चार इंडिविजुअल्स फॉर्म हो सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन चार इंडिविजुअल नहीं होते, एक स्पर्म एक ही एग को फर्टिलाइज करता है, लेकिन ऑप्शन होते हैं कि किस उसकी मर्जी उसके ऊपर होता है कि वो किस एग को जाके फर्टिलाइज करे। इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होना ज़रूरी होता है ताकि ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर जो है वो रीस्टोर हो जाए। जैसे 46 है किसी भी हमारे पास जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनमें 46 है, तो 46 यहाँ पे मेल का है और 46 यहाँ पे फीमेल का है, तो यहाँ पे मियोसिस होगी 23 और यहाँ पे मियोसिस होगी 23, यहाँ पे मियोसिस होगी 23, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ यहाँ पे 23। अब 23 23 46 46, अगर नहीं हो तो फिर 46 46 ही रहें तो 92 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो रिस्टोर नहीं होगा और एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी, जायगोटी फॉर्म नहीं होगा, एबनॉर्मेलिटीज़ कहाँ से आएंगी। तो ये सारा माइटोसिस इज़ द बेसिस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस होती है उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते हैं। इट इज़ द प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन अ प्रोटोजोआ अंडरगोज बाइनरी और मल्टीपल फिजन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो प्रोटोजोन्स होते हैं जैसे अमीबा या पैरामीशियम, वो बाइनरी या मल्टीपल फिजन के ज़रिए अपने आप को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये उस वक्त होता है जब एक बर्ड फॉर्म होती है एक ब्रांच से, किसी भी ब्रांच से एक बर्ड फॉर्म हो जाए तब भी माइटोसिस होती है। और न्यू प्लांट्स डिवेलप फ्रॉम वेजिटेटिव ऑर्गन लाइक कॉम और बल्ब्स, कॉम और बल्ब्स जो होते हैं प्याज और लहसुन की मिसाल है यहाँ पे, प्याज और लहसुन जो हैं वो प्याज को आप दबा दें तो उससे नई प्याज फॉर्म हो जाती है, और बल्ब जो हैं वो न्यू लहसुन जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से फॉर्म हो जाते हैं। माइटोसिस इंश्योर्स दैट द क्रोमोसोम कम्प्लीमेंट एंड द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स इज द सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट्स, ये मैंने आपको समझा दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे ये पैरामीशियम, अगर ये पैरामीशियम की हम बात कर रहे हैं तो पैरामीशियम के अंदर बाइनरी फिजन हो रहा है, माइटोसिस के ज़रिए बाइनरी फिजन हो रहा है और दो डॉटर पैरामीशियम जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। ये अमीबा है, अमीबा का जो सीडोपोडिया है ये टू मल्टीपल फिजन हो सकता है, ये इस तरह से दो या दो से ज़्यादा हिस्सों दो हिस्सों में भी डिवाइड हो सकता है, ये जो अमीबा होता है या दो से ज़्यादा हिस्सों में भी डिवाइड हो सकता है, और हर डॉटर अमीबा जो है वो एक नई अमीबा को फॉर्म करने का बायस बनता है। इसके अलावा कॉम या फिर बल्ब,
ये जो हमारे पास लहसुन और प्याज होते हैं, इसके नीचे से ये प्याज है हमारे पास, और ये हमारे पास लहसुन है। कौम और बल, ये इसमें जो होती हैं, ये जो इसकी हम प्याज को काटते हैं तो उसके अंदर छिलके मिलते हैं, तो जो छिलके मिलते हैं उनसे जो है वो एक नई, इन सारी छिलकों को अगर हम खोलें या हम इस लहसुन को अलग अलग दबा दें, ये जो लहसुन है, इस लहसुन से बहुत सारे छोटे छोटे डॉटेड हमारे पास गार्लिक जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास बर्ड होती है, ये जो छोटी छोटी इसके अंदर लहसुन की जवें होती हैं, ये एक नए लहसुन को बनाने का बाइस बनती हैं। इसी तरह से प्याज जो है, प्याज के अंदर भी एक छोटी सी बर्ड होती है, और वो बर्ड जो है वो एक बहुत सारी प्याजें जो बनाने का बाइस जो है वो बनती है। इसके अलावा कोई भी सेगमेंट टूट जाए, जैसे आलू है हमारे पास, जिंजर की मिसाल ले लेते हैं, ये हमने जिंजर का टुकड़ा टूट गया, और जिंजर का टुकड़ा टूटने के बाद इससे जो है वो एक पूरी जो है वो जिंजर फॉर्म हो जाती, तो फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए इस तरह से होता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में जो मियोसिस होती है वो कब होती है? जब एनिमल्स के अंदर गैमीट्स फॉर्म होने होते हैं, जब प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर गैमीट्स फॉर्म होने होते हैं, मेल या फीमेल गैमीट्स, तो उनके अंदर क्या हो जाती है, गैमीट्स जो फॉर्म होते हैं वो मियोसिस के ज़रिए होते हैं, ताकि गैमीट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाए, और जब ये स्पर्म यानी कि मेल गैमीट और ओवम यानी कि फीमेल गैमीट फ्यूज हों, तो फिर उसके नतीजे में जो जायगोट बने उसमें ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो स्टोर हो जाए। ये जो होता है जो प्रोसेस होता है मियोसिस का, ये एडल्ट ऑर्गेनिज्म में होता है, इमेच्योर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। हमेशा एडल्ट ऑर्गेनिज्म में गैमिट्स फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू गैमिट फ्यूज टू फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द जायगोट। ये जो प्रोसेस होता है, इसमें जो गैमिट्स के न्यूक्लियस होते हैं, मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस, वो फ्यूज होके एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेते हैं। हैप्लॉयड न्यूक्लियस जो होते हैं वो फ्यूज होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेते हैं, उस डिप्लॉयड न्यूक्लियस को हम जायगोट का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये बहुत दफ़ा मैं रिपीट कर चुकी हूँ, रिपीट कैसे हो सकता है ये, क्योंकि ये 46 है, ये 23 है, ये 23 है, इसमें टू एन है डिप्लॉयड है, ये एन है हैप्लॉयड गैमेट, ये हैप्लॉयड गैमेट, इसके दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद यहाँ पे ये बन जाएगा जायगोट। और जायगोट क्या है, टू एन, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 46। सिंपल, ये बहुत दफ़ा हम रिपीट कर चुके हैं, रिपीट रिपीट में चल रहा है ये। प्लांट्स में दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है, प्लांट्स जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो स्पोर्ट्स के ज़रिए करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ज़रिए करते हैं, और एपोमिक्सिस के ज़रिए करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम प्लांट्स में पाई जाने वाली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आर्टिफिशियल और नेचुरल मेथड को डिस्कस करेंगे। नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम उसके बाद आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में डिस्कस करेंगे। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियली कैसे हो सकती है और नेचुरली कैसे परफॉर्म हो सकती है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमें बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक जो है वो समझना है, ताकि हम उसके बारे में वीडियो बनाएं।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।